हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से हैं। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बीफ स्टू। यू ट्राई करें, बहुत इजी भी बनता है और बहुत टेस्टी बनता है। इसके अंदर जो चीज़ें जाएंगी, मैंने बीफ लिया बोनलेस, उसके मैंने छोटे छोटे क्यूब्स काट लिए हैं। तो इसमें हड्डी वाला भी कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग वेजिटेबल भी डालते हैं, लेकिन ये सबसे अच्छा और ईजी तरीका और टेस्टी बहुत बनता है। मैंने इस बोनलेस लिया और इसको क्यूब्स में काट लिया। टमाटर मैंने इसमें लिए हैं 2 अदद और इनका स्किन रिमूव नहीं की। प्याज लिया है बहुत स्मॉल वाला, उसको कट कर लिया है। लहसुन इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून, 1/2 टेबलस्पून इक्वल करके। 4 से 5 इसमें जाएंगी गोल वाली मिर्च। 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा योगर्ट। 1/3 इसमें जाएगा ऑयल। इसमें सुरख मिर्च नहीं जाएगी, इसमें वाइट पेपर जाएगा 1.5 टीस्पून। 1/4 इसमें जाएगी हल्दी। 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक, या हसबे जायका अपने मुताबिक डाल दें, आप अपनी जरूरत के मुताबिक। और कुटा हुआ धनिया इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून। पिसा हुआ जीरा 1/2 टीस्पून। गार्निश के लिए इसमें जाएगा अदरक कटा हुआ और 1 हरी मिर्च। इसमें हरा धनिया ऐड नहीं करना गार्निश के लिए। और पानी इसमें जाएगा 2 कप ये वाले, क्योंकि मैंने कुकर में बनाना है, प्रेशर कुकर में। अगर आपने इसको देचकी में बनाना है तो आप इसमें डबल कर लें, 3 से 4 कप कर लें, क्योंकि टमाटर भी पानी छोड़ते हैं, प्याज भी, तो 3 कप कर लें। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली नई रेसिपीज मिलती रहे। अच्छा, इसमें मैं सबसे पहले डालूंगी बीफ। बिस्मिल्लाह, ये चला गया। उसके बाद इसमें चला जाएगा प्याज और टमाटर। मैंने सब कुछ इसलिए इस तरह ही काटा है क्योंकि मैं वो प्रेशर कुकर में वैसे ही सॉफ्ट हो जाएगा। लहसुन चला जाएगा पिसा हुआ, अगर पिसा हुआ नहीं है तो आप 4 से 5 जवे ऐड कर सकते हैं। नमक चला जाएगा 1 टीस्पून और इसमें पानी चला जाएगा 2 कप करीब। मैं इसमें पानी डालूंगी। और ठीक है, अब मैं इसमें पानी डालूंगी। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। बहुत इजी बनता है और बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत टेस्टी बनता है। आप इस तरह इसको बना के तैयार करके रख दें और बस सुबह आप इसको कढ़ाई में डाल के भून के बना भी सकते हैं, फ्रेश भी बना सकते हैं। लेकिन ये सारा काम आप पहले ही कर दें जो प्रेशर कुकर वाला है, और अगर देचकी में करना है तो भी आप करके रख सकते हैं। ये देखिए, इसको मैं 10 मिनट दूंगी। अगर ये हड्डी वाला गोश्त होता तो मैं इसको 15 से 18 मिनट देती, तो मैं इसको 10 मिनट दूंगी। हर गोश्त का हिसाब होता है, लेकिन ये बोनलेस है, ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसको मैं पहले हाई फ्लेम पे रखूंगी और फिर मैं इसको मीडियम कर दूंगी, और 8 to 10 मिनट में मैं इसको चेक करूंगी। ठीक है, तो फिर आपसे मिलती हूँ। ये ज़बरदस्त सा स्टू बिल्कुल जो है वो गल गया है। मुझे जितना इसको चाहिए था उतना मैंने इसको अच्छे से गला लिया। मैं इसकी स्किन रिमूव कर लेती हूँ, जो टमाटरों की स्किन है उसको मैं रिमूव कर लेती हूँ। उसको उसके बाद मैं इसको कढ़ाई में डाल के बस हम इसका फाइनल टच देंगे। ठीक है, तो मैं आपसे इस तरह इनकी स्किन रिमूव करके दिखाती हूँ आपको। ये देखें, अब मैंने इसको कढ़ाई में डाल दिया। मैं बिल्कुल हाई फ्लेम करके जो थोड़ा सा इसमें पानी है उसको मैं खुशक कर लूँगी, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी लुक। इसमें पानी ड्राई हो गया, अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी कुटा हुआ धनिया। गोल वाली मिर्चें जाएंगी, कुटा हुआ धनिया और जीरा जाएगा। मिक्स करूंगी। नमक आप इस स्टेज पे भी चेक कर सकते हैं अगर आपको कम हो ज्यादा करना है। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी वाइट ब्लैक पेपर और ऑयल 1/3 कप। अब इनको मैं अच्छे से भुनाई कर लूंगी। बहुत ही अच्छी लुक आ रही है, आपने जरूर ट्राई करना है और मुझसे शेयर करना है। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी रेसिपीज मिलती रहें। ये देखिए, अच्छे से मैं बिल्कुल बुनाई कर लूँ। अब देखिए, हम बिल्कुल लो फ्लेम करके इसमें योगर्ट ऐड करेंगे।
वाइट चीज़ कोई भी ऐड करनी हो, क्रीम योगर्ट कुछ भी, तो हमेशा फ्लेम को लो कर देना है और एक से दो मिनट के बाद फिर फ्लेम तेज़ कर देना है। ये देखिए ऐड कर दूँगी इसमें, एक से दो मिनट मैं ऐसे ही पकाऊंगी इसको लो फ्लेम पे और फिर मैं फ्लेम को हाई कर लूंगी। देखिए अब मैंने फ्लेम को हाई कर दिया है, ऑयल इसमें ऊपर आने लग गया है। अब मैं इसकी अच्छे से बुनाई कर लूंगी और बस एक से दो मिनट के बाद हम इसको डिश आउट कर देंगे। ये देखिए ज़बरदस्त सा स्टू बिल्कुल रेडी हो गया है, कितना अच्छा इस पे ऑयल है। थोड़ा सा मैं इसको गार्निश करूँगी अदरक के साथ और मैं इसको कढ़ाई में इसी तरह आपको दिखाऊंगी क्योंकि इसकी लुक इसी तरह अच्छी लग रही है। मुझे थोड़ी ग्रेवी पसंद है, वैसे स्टू में ग्रेवी होती है, लेकिन अगर आप नहीं रखना चाहते तो आपकी अपनी चॉइस, आप इसको थोड़ा सा ड्राई और कर लें। तो मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, अल्लाह हाफिज़।